R is peace, father, nephew. Peace, father, nephew. फिर आपको given है S is peace, cousin. S is peace, cousin. But not the brother of R. But not brother of peace. बीच में कोई नहीं बोलेगा. Brother of R. How is S related to R? आपको ये लिखना है. अब start करते हैं पर. Question given गया. R is peace, father, nephew. Start करता हूँ मैं R से. R और P के बाप का nephew. तो आप R क्यों बोल सकते हैं? आपको start करना P. ये ना P. P के पापा. P के कौन? पापा. पता नहीं कौन. X मानो. मुझे नहीं पता कौन है. हाँ क्या नाम? P's father. P के father के nephew. Nephew मतलब कौन? भतीजा. मतलब वो शायद X के कोई भाई होगा. हमको नहीं पता. X कोई brother होगा. शायद उनका बेटा होगा. उनका क्या होगा? बेटा. कौन? R. कौन है? R. पहले तो P का बाप कौन है नहीं पता. X मान लिया. X का भाई होगा या बहन होगा कुछ भी हो सकता है. X का भाई होगा या बहन होगी कुछ भी हो सकता है. सेकेंड है S is P's cousin. P's cousin. P का cousin तो R भी हो सकता है. तो S भी क्या है? P का cousin ही है. S भी क्या है? P का cousin नहीं है. But not the brother of R. वो R का brother नहीं है. R का brother नहीं है. अगर वो R का brother नहीं है तो क्या वो R की sister हो सकती है? हाँ. क्या वो R का brother नहीं है तो R का sister. तो इसका उन्होंने S का gender define करने की कोशिश करी है कि S brother तो नहीं है. S क्या है? Sister. अब मुझे how is S is related to R? S और R आपस में क्या होंगे? Brother sister. S cousin क्यों? Brother sister. समझ में आया यहां तक? If you want me to start it again, let us start it again. क्या बोला? R is P's father nephew. तो पहले P, फिर P का पा. हमको नहीं पता कौन. S. फिर उसका भाई पता नहीं कौन. Y. फिर उसका जो बेटा होगा वही तो nephew होगा. भाई P's father X. X का nephew कहाँ पे है? यहीं पे है. भाई का बेटा तो कौन है? R. अब बोला S is P's cousin. P का cousin. P का cousin मतलब P के बाप का बेटा या बेटी. तो S आने तो यहीं पे वाला है ना. But not the brother of R. इसका मतलब S brother नहीं है. S brother नहीं है मतलब S is not a male. S is a female. तो क्या R और S भाई बहन है? हाँ. तो इसका मतलब क्या हो गया? Brother and sister. I hope आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई. ठीक है.